आपको दिखा रही है, देखिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए, यहाँ यहाँ पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें संजौली मस्जिद तक जाना है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था और ऐसे में पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध मस्जिद पर ऐसा लग रहा है कि संग्राम छिड़ा हुआ है और सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मांग यही है कि अवैध को हटाया जाए और इसको लेकर कैसे झड़प हुई है, देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प होती हुई दिखाई दी है। और चलिए अगली तस्वीर भी देख लीजिए, हिंदुओं ने इसे आक्रोश रैली नाम दिया था। आक्रोश रैली यानी गुस्से से भरे हुए हिंदू, शिमला जो शांत रहता है वो उबलता दिखाई दिया। ये देखिए कैसी भीड़ इकट्ठा है और सारे जो हिंदू हैं, जो हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, वो मस्जिद की तरफ जाना चाहते थे, अपना विरोध वहां तक पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनके हाथ में तिरंगा है और वो वैध और अवैध का फर्क खत्म करना चाहते हैं। तो प्रदर्शनकारी हिंदू अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, पूछा कि आखिर सड़कों पर क्यों उतरे, क्यों गुस्से में, क्यों आक्रोश रैली निकाली। सुनिए, जो देवभूमि है उसको बचाने का है, यहाँ की जो जनसंख्या का जो एक स्वरूप है उसको परिवर्तित करने का, जो टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इसके लिए एक जन आंदोलन आज नहीं समाप्त नहीं होगा आज, ये बहुत लंबा। शांति प्रिय लोगों के ऊपर लाठी चार्ज और पानी की बुछारे क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न ये चलता है। जब हम लोग कानून का साथ देने को तैयार हैं तो कानून हमारे पर डंडा क्यों चला रहा है, क्या सरकार इतनी बेबस हो गई है, प्रश्न ये उठता है। और जहां पे मुसलमान है नहीं वहां पे मस्जिद का काम क्या, लाठी चार्ज किया गया है। आज अगर हिंदू समाज जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके बावजूद शासन प्रशासन जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है, यहाँ पर सारा हिंदू समाज जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हमारे यहाँ पे शिमला में एक भी छज्जा एक भी सीढ़ी जो है कहीं पे लगाई जाती है तो दूसरे दिन नगर निगम उसे तोड़ देता है, जो कि मस्जिद तक अभी जाने की कोशिश करें। बिल्कुल मस्जिद तक जाएंगे और पूरा समाज जो है जितने लोग इकट्ठे हुए हैं हम सारे लोग जो मस्जिद तक जाएंगे। जी आगे संजौली चौक की तरफ जा रहे थे पर पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है और हमारी एक यही मांग है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसे गिराया जाए। को लाठी चार्ज किया है और जिस प्रकार से हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है ये बहुत ही गलत है और हिंदू समाज में पूरा आक्रोश है इसके प्रति। ये सारे हिंदू खड़े हैं इस टाइम, तो हिंदू खड़े काय को मार रहे हैं ये लोग, क्या मतलब बनता है इनका कि ये थोड़ी है कि पुलिस वाले डंडे किसी पे भी उठा दे, क्या गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट क्या सोई है इस टाइम, गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है कि किधर धरना है। जो जेंट्स को चोट मारी और जेंट्स के ऊपर से मैंने छलांग मारी, आप एक बार अपनी चोट यहाँ पे चोट है इधर देखो मैम, हाँ महिला है, हाँ चोट आई है। तो सुना आपने लोगों की, बस एक ही मांग है कि इस अवैध मस्जिद को गिराया जाए। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हुई थी विधानसभा के अंदर, कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी चर्चा की थी और आज जैसे हालात बन गए उसको लेकर विक्रमादित्य जो कि मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, हिमाचल सरकार में, उनका भी वर्जन सामने आ गया। क्या उन्होंने कहा है? चलिए वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं क्योंकि हालात अब इनके काबू से बाहर हो गए। सुनिए, शिमला मस्जिद विवादों में विक्रमादित्य का बयान अब आ गया है, उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये कह रहे हैं विक्रमादित्य, सनातन धर्म को बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बात कही है उनकी, कही गई है उनकी तरफ से। फिलहाल मामला कानून व्यवस्था का है और ऐसे में कानून के ही दायरे में एक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के दायरे में एक्शन होगा, ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है, अवैध और वैध का मामला है, ये मामला कोर्ट में है और उसको देखते हुए ही यहाँ पर काम होगा, जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी, ये भरोसा दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, सुक्कू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, जो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी। सुन भी लीजिए क्या कहा उन्होंने। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज़ एज आई सेड इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और मुझे, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर
सेंटिमेंट्स पे ही कार्य सरकार कार्य कर ले ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। और संजौली शिमला से हमारे साथ सीधे हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है। कोमल, आप बहुत बखूबी दिखा रही हैं कि वहाँ हालात कैसे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं। अभी बताइए कि वहाँ स्थिति कैसी है, क्योंकि जो आज हमने देखा है ऐसा लग रहा है कि सरकार इस वक्त हालातों को संभाल नहीं पा रही है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है? बिल्कुल, देखिए सरकार की बात करें तो एक तरफ से जहां पे एसपी सुबह ये बयान दे रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सारे इंतजाम जो है सुरक्षा के कर लिए गए हैं, लेकिन इस बीच देखिए ये वही संजौली चौक है जहां पे जो प्रदर्शन करते करते जो लोग हैं वो यहां पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोगों को रोक लिया जाता है, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, पानी की बौछारें की जाती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन यहां पर फिलहाल प्रदर्शन को रोक लिया गया है। लेकिन इस बीच देखिए पुलिस की चौकसी जो है, पुलिस की मुस्तैदी अभी भी आप यहां पे देख सकते हैं। पे खुद जो एसपी है वो निरीक्षण कर रहे हैं, किसी को भी देखे बैरिकेडिंग अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये जो रास्ता आपको दिखाए तो ये मस्जिद की ओर जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गाड़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे लोग जो अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी हो रही है। लेकिन इस बीच बात करें तो फिलहाल प्रदर्शन को रोक लिया गया है, लेकिन जिस तरह से सुबह की जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भी आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे क्या? आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो आप लोग देखिए, खैर कई लोग जो है यहाँ पे जुटे थे प्रोटेस्ट को लेकर के, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे चूंकि पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है, किस तरह से पुलिस की तरफ से देखिए दो बार जो है बल का प्रयोग होता है, और इस दौरान देखिए कई महिलाएं जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। कुछ ऐसे लोग बताया जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनका इलाज जो है अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ की बात करें तो देखिए माहौल जो है फिलहाल विरोध तो थम गया है, लेकिन माहौल अब भी सेंसिटिव बना हुआ है, और पुलिस चौकसी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस चौक में अभी भी यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, और खुद जो यहाँ पे एसपी है संजीव गांधी वो पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और लगातार चेकिंग भी अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग जारी है। जी बिल्कुल कोमल, आप बड़ी बातें बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी लोगों का आक्रोश थमा नहीं है, और ऐसे में अब खुद सरकार को सोचना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो आपने देखा कोमल, तस्वीरें भी दिखा रही हैं, लोगों का गुस्सा किस तरह से बढ़ता जा रहा है ये भी बता रही है। लेकिन संजौली मस्जिद विवाद शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या थी, चलिए आपको पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। विक्रम सिंह नाम के एक शख्स के साथ दरअसल मारपीट का आरोप लगा कि मारपीट करने वाला मस्जिद में जाकर छिप गया। मारपीट में विशेष समुदाय के लोगों के शामिल होने का आरोप इस मामले में लगाया गया। जो मारपीट हुई वो विशेष समुदाय का था ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि मस्जिद में जाकर छुप गया। ऐसे में एक्शन हुआ तो 6 आरोपियों को शिमला पुलिस ने पकड़ लिया। हिंदू संगठनों का ये दावा है कि संजौली मस्जिद अवैध है और अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। इसके बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया, और तब से संजौली मस्जिद को गिराने की मांग लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उत्पात लगातार होता है, ये कहना है हिंदू संगठनों का। उनका कहना है कि बदतमीजी होती है, माहौल पूरे इलाके का खराब किया जा रहा है, ये अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। लेकिन